खबर नोएडा से, जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिला है। नोएडा में 5 और कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। 5 नए लोगों की जांच की जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई है। कोरोना संक्रमितों की संख्या नोएडा में बढ़कर के 247 हो चुकी है, यानी कि 250 के करीब नोएडा शहर के अंदर, नोएडा से जुड़े हुए इलाकों में इस वक्त कोरोना संक्रमितों की तादाद पहुंच रही है। 247 का यह आंकड़ा इस वक्त नोएडा से है, जहां पर 5 नए लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद में ये इजाफा बढ़ा है। गिरीश नारायण हमारे सहयोगी फोनलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गिरीश, 250 के आसपास पहुंच गया यह आंकड़ा, 5 और कोरोना के पॉजिटिव पाए गए, कौन कौन से इलाके हैं, कहाँ कहाँ से ये रिपोर्ट आई? जी निश्चित तौर पर थोड़ी सी एक गंभीर स्थिति होती जा रही जिले में, जिस तरह से लगातार जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, और जो आज जो नए केस सामने आए हैं, ये सेक्टर 76 में एक स्काई टेक सोसाइटी है, जहां पहले से ही कोरोना पॉजिटिव लोग आ चुके हैं सामने। एक मरीज वहां का है और 3 मरीज सेक्टर 5 के हैं, और साथ ही जो एक 5वां मरीज है वो सेक्टर 8 से आया है सामने। अब मगर गिरीश, जाहिर तौर पर अब इसके लिए व्यवस्थाएं और ज्यादा सख्त की जा रही हैं, जो इलाके सील्ड हैं या फिर जिन जगहों पर अब लॉकडाउन सख्ती से पालन कराया जा रहा है, चाहे वो रेड जोन हो, ग्रीन जोन हो, वहां पर सख्ती अब और बढ़ती जाएगी? जी निश्चित तौर पर जो जिला प्रशासन है वो लगातार सख्ती बरत रहा है। इसी का नतीजा है कि जो आंकड़ा पॉजिटिव केस का 247 है, उसमें से 181 लोग सही भी होकर जा चुके हैं, और जो मामले भी जिस तरह से लगातार कुछ दिन पहले लगातार 10 मामले, 12 मामले, 14 मामले सामने आ रहे थे, वो पॉजिटिव केस के जो नए मामले हैं उनका भी आंकड़ा थोड़ा सा कम हुआ है। 3 मामले, 4 मामले सामने आ रहे हैं, तो लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है, जिला प्रशासन है, सख्ती बरत रहा है, लोगों से अपील भी कर रहा है, साथ ही जुर्माना भी कर रहा है, ताकि जो संक्रमण है वो कम से कम फैल सके। बहुत शुक्रिया गिरीश इन तमाम जानकारी के लिए।